श्रावण के तीसरे सोमवार को वनांचल से विधायक केदार सिंह डावर के नेतृत्व में शिव श्रद्धा कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने नन्नेश्वर धाम से जल भरकर सिरवेल महादेव का अभिषेक करने पैदल रवाना हुए। कावड़ यात्रा का सतीपुरा, भगवानपुरा, थरड़पुरा, देजला देवाड़ा, पीपलझोपा आदि स्थानों पर स्वागत किया गया। भगवानपुरा के हनुमान मंदिर में कावड़ यात्रा का पुष्पहारों से स्वागत कर कावड़ियों को आलूबड़े वितरित किए गए। कावड़ यात्रा का यह छठवां वर्ष है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कावड़ यात्रा में कावड़ियों में उत्साह देखा गया। यात्रा के आगे डीजे के भक्ति गीतों पर युवा थिरकते नजर आए। सुबह 7 बजे नन्नेश्वर धाम में केदार डावर ने श्री हरि ओम बाबा जी की मौजूदगी में कावड़ियों के साथ भगवान नन्नेश्वर की पूजा अर्चना कर जल भरकर कावड़ यात्रा प्रारंभ की, जो सिरवेल स्थित भगवान शिव का अभिषेक करने के पश्चात यात्रा का शाम को समापन हुआ। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। श्रावण पावन वर्ष, श्रावण मास का जो पावन पर्व है उसमें शिव भगवान की जो आस्था है और उसी की आस्था को लेके हम लोगों ने, हमारे क्षेत्रवासियों ने और हमारे सभी साथियों ने 2017 से नन्नेश्वर से सिरवेल महादेव यात्रा शुरू की थी। ये छठा वर्ष है और हम ये यात्रा का उद्देश्य हमारे क्षेत्र की खुशहाली बढ़े, किसान समृद्ध हो और अच्छी समृद्धि हो सबकी, इसी कामना को लेके हम लोग हमें आ रहे हैं। छठा वर्ष है, हमारे सभी साथी आ रहे हैं और एक ये श्रद्धा का भाव है जिसको हम पूरा कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक निकलते भैया? ये भगवानपुरा में नन्नेश्वर महादेव जो प्राचीन है हमारे, वहाँ से सिरवेल महादेव जो हमारा ये सिरवेल गांव है, ये प्राचीन स्थल है। यहाँ तक हमारा एक दिवसीय कांवड़ यात्रा होती है 42 किलोमीटर की और उसमें हम लोग सब शामिल। 10 वर्ष पूर्ण करेंगे या 25 तक भी आएगी? नहीं, वर्ष गिनती का नहीं, हमने चालू किया है, बंद करने का कभी सोचा नहीं है, कभी हमने चालू किया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।